नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री फोन्स के बारे में जिसका प्राइस होने वाले 10,000 के अंदर। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आप लोगों को मिड रेंज में बहुत ही अच्छा फ़ोन मिल जाए अमेज़न पर, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसी टॉप थ्री फोन्स के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। नंबर थ्री में जो फ़ोन आ रहा है वीवो की तरफ से, वीवो U10, इसका प्राइस होने वाला है 9,000 रुपये के अंदर, जिसका वेरिएंट आने वाला है 3GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात किया जाए, अगर आप लोगों को 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा विथ HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। ओवरऑल दोस्तों, फ़ोन की लुक की बात किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन लुक आप लोग को इस प्राइस में मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, इसका ग्लास बैक का डिज़ाइन भी आप लोग को मिल जाएगा और एक छोटा सा नॉच भी इसमें आप लोग को मिल जाएगा। वही बात करते हैं कैमरा की, इधर आप लोगों को 30MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का डेप्थ इस फोन में आप लोग को मिल जाएगा। वही बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आप लोग को 8MP का सेल्फी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, प्रोसेसर की बात किया जाए, इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया है जो कि स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि चलने वाला है 2GHz और 1GHz स्पीड क्लॉक में। वही बात करते हैं इस फोन की बैटरी को लेके, तो बैटरी बहुत ही अच्छा दिया गया है इस प्राइस में, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन ये फ़ोन होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा होगा, कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। सो गाइस, नंबर टू फोन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम है Redmi Note S। ये Redmi Note सीरीज़ का पहला फ़ोन था, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया गया है। 48MP का कैमरा इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस लगभग 9,000 के अंदर ही आप लोगों को अमेज़न पर भी मिल जाएगा, जो कि आने वाले 3+32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। वही डिस्प्ले की बात किया जाए, इधर आप लोगों को 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि आने वाले HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और दोनों साइड में इधर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक आप लोगों को दे देता है। तो वही बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही फास्ट प्रोसेसर होने वाला है जो कि 2.2GHz में रन करने वाला है। वही बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की, तो इधर आप लोगों को 48+5MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि ड्यूअल रेयर कैमरा होने वाला है। वही बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इधर आप लोगों को 38MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का फोटो आप लोग इससे क्लिक कर सकते हो। तो बैटरी की बात किया तो इधर आप लोगों को 6000mAh का बैटरी मिल जाएगा, जो कि आने वाला है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यही था इस फोन का कुछ खास फीचर। अगर आप लोग रेडमी की फ़ोन लेना चाहते हो तो ये बेस्ट फ़ोन रहेगा 10,000 के अंदर। सो गाइस, लास्ट में जो फ़ोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 5, ये फ़ोन आप लोगों को अमेजन पर 10,000 के अंदर मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है। इस फ़ोन में आप लोगों को बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ बहुत बड़ा बैटरी भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्या कुछ खास फीचर इस फ़ोन में मिलता है। वही बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इधर आप लोगों को 6.5 इंच का सुपर एमुलेट फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को इस फोन में मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात किया जाए तो इधर आप लोगों को वीवो U10 की तरह सेम प्रोसेसर इसमें मिल जाएगा, जो कि स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो गाइस, कैमरा इधर आप लोगों को क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फोटो इससे आप लोग ले सकते हो। साथ में 13MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इससे भी आप लोग बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फोटो ले सकते हो। और दोस्तों, बैटरी की बात करें, इधर आप लोगों को 5000mAh का बैटरी भी मिलने वाला है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये आने वाला है। ओवरऑल दोस्तों, फोन की लुक की बात किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन लुक इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं इसकी रैम और स्टोरेज की, तो इधर आप लोगों को 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके बजट 10,000 के अंदर है तो आप लोग इस फ़ोन को ज़रूर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फ़ोन इस प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। सो गाइस, यही था टॉप थ्री फोन आज के इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को तीनों फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा होगा। कौन सा फोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटा भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलता है इस तरह के खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।